यूं तो इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की काफी चर्चा हो रही है और ये आपने टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं, ऐसे में उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर विरोधी पार्टियों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान कई गलत और भ्रामक दावे भी किए जा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज हमेशा की तरह ऐसे गलत दावों की सच्चाई आपके सामने लाता रहा है और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 दावों की सच्चाई बताएंगे जिन्हें यूपी चुनाव से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इन लिफाफों वाली तस्वीर की। इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए रिश्वत दे रही है। वायरल तस्वीर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें शामिल हैं जिनमें लिफाफे पर सरधना विधानसभा के प्रत्याशी अतुल प्रधान का नाम लिखा है, साथ में मिशन 2022 भी लिखा है। इसके अलावा भाजपा के लिफाफे वाली कुछ तस्वीरें भी शेयर की जा रही है और भाजपा द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत देने का दावा किया जा रहा है। इस तस्वीर की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें सपा के लिफाफे वाली तस्वीर 2017 के एक ट्वीट में मिली, लेकिन इस तस्वीर में अतुल प्रधान का नाम नहीं लिखा है। यहाँ लिफाफे के आगे वाले हिस्से की तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें गोरखपुर के सपा नेता और पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव और पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद की तस्वीर है। ऑल्ट न्यूज ने विजय बहादुर यादव से बात की जो 2017 में गोरखपुर रूरल विधानसभा से उम्मीदवार थे। उन्होंने दावा किया कि लिफाफों के पीछे भाजपा का हाथ था, इसी वजह से भाजपा की सरकार होने पर भी इन पर कोई जांच नहीं बिठाई गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2017 में इस लिफाफे में छपी उनकी तस्वीर कम से कम 15 साल पुरानी है। ऑल्ट न्यूज इस लिफाफे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया, लेकिन ये तस्वीर हाल के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के नाम पर शेयर किए जा रहे इस ट्वीट की। इसे शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद को रावण बता दिया। ट्वीट में बहु और विभीषण शब्द के इस्तेमाल से ऐसा लगता है कि ये कथित ट्वीट अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर किया गया है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है और वो इन चुनावों के चलते भाजपा में शामिल हो गई थी। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने ट्वीट को गौर से देखा तो हमें कई गलतियां दिखी, जैसे बहु शब्द की डबल कोट में जगह है, नहीं शब्द पर अंशुआर नहीं है। आगे अखिलेश यादव की ट्विटर टाइमलाइन खंगालने पर हमें मालूम चला कि उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था। वायरल ट्वीट में 19 जनवरी की तारीख है और उस दिन अखिलेश यादव ने सिर्फ एक ही ट्वीट किया था। इसके अलावा वायरल स्क्रीनशॉट फोन से लिया गया है, लेकिन फिर भी उसके समय और तारीख के फॉर्मेट में गलतियां हैं। साथ ही दोनों के बीच डॉट नहीं है, जबकि ट्विटर फॉर्मेट में डेट और टाइम के बीच एक डॉट होता है। यानी ये ट्वीट फर्जी है और इसे अखिलेश यादव का बताकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे दावे की। 21 जनवरी को कांग्रेस ने यूपी चुनाव के चलते घोषणा पत्र जारी किया था। उसी मौके की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में दिख रहे डॉक्यूमेंट्स पर आएंगे तो योगी ही लिखा है। भाजपा नेता विनय चौहान और भाजपा दिल्ली की प्रवक्ता नीतू सिंह ने ये तस्वीर ट्वीट की। इसमें दोनों के माथे पर लाल टीका भी लगा है। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के गुड़गांव पेज ने ऐसी ही एक तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में पंजाब दी शान भगवंत मान लिखा है, लेकिन इनके माथे पर टीका नहीं है। इन तस्वीरों की हकीकत जानने के लिए हमने रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें असली तस्वीर भी मिली जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने 21 जनवरी को ये तस्वीर ट्वीट भी की थी। यानी यूपी चुनाव को लेकर कई फर्जी और भ्रामक दावे किए जा रहे हैं। हम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दावों पर विश्वास करने से पहले इन्हें एक बार जरूर चेक करें। इसके लिए आप ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट्स पर जा सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल ऐप पर वायरल दावों की सच्चाई जानने के लिए हमें रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं।